मनसे के जिला उपाध्यक्ष तथा मनपा नगर सेवक सचिन भोयर ने अमृत जल योजना के संबंध में सवाल उठाए। चंद्रपुर शहर में अमृत जल योजना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और यह योजना शुरुआत से ही कई कारणों से चर्चित एवं विवादित रही है तथा इस संबंध में अनेक बार विभिन्न राजनीतिक दल एवं मनपा के नगर सेवकों ने इस कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाए। वहीं इस संबंध में मनसे के नगर सेवक सचिन भोयर जो बीते दिनों चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने मूल महामार्ग के सड़कों की खस्ताहाल के चलते मनसे के अन्य पदाधिकारियों के साथ अधिकारी को अपने दोपहिया वाहन पर बिठाकर पूरे रोड का मुआयना एवं निरीक्षण करवाया और अब उन्होंने अमृत जल योजना के संबंध में तमाम तरह के सवालिया निशान खड़ा करते हुए आरोप लगाया। उन्होंने क्या कहा आप स्वयं सुनिए उन्हीं की जुबानी। केंद्र सरकारची 231 कोटीची अमृत योजना ही चंद्रपुरात पूर्णतः फेल ठरलेली आहे। या भागामध्ये ज्या पद्धतीने अमृत कंत्राटदाराने काम करायला पाहिजे ते केलेलं नाही आणि अमृत च्या माध्यमातून सुरू असलेलं काम हे दर्जाहीन नियोजन शून्य व निकृष्ट दर्जाचे आहे। शहरामध्ये सगळीकडे खोदकाम केलं आहे परंतु त्याचं नियोजन त्यांनी केलेलं नाही। आज जर मनपा प्रशासन त्यांचं पाठराखण करत आहे हे चुकीचं आहे। जे काम अद्यापही पूर्ण झालं नाही ज्या कामामुळे लोकांना नागरिकांना त्रास आहे कोणत्याही पद्धतीचा शहरामध्ये पाण्याची व्यवस्था त्या योजनेच्या माध्यमातून झाली नाही। अशा परिस्थितीत 80% पूर्ण काम झालं म्हणून जनतेला सांगणं प्रसार माध्यमांना सांगणं हे चुकीचं आहे। त्या माध्यमातून जनतेची दिशाभूल करण्यात येत आहे व कंत्राटदाराची पाठराखण करण्यात येत आहे। अशा पद्धतीची भूमिका मनपा प्रशासनाची चुकीची आहे। मनपा प्रशासनाने आपली भूमिका दुरुस्त करावी।